वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं तो आए और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? नगीना। आपका नाम? महमूद। गुलफाम। वारस अली। अली अहमद। अलवीना। ओके जी, मुझे बताएं सबका क्या रिश्ता है आपस में? ये मेरे हस्बैंड और भाई हैं, वो हमारे काम में। ये आपके खाना के बेटे कजन हैं और ये आपके माशाल्लाह बच्चे? जी। चले जी, मुझे बताएं ये चलान के बाल ही है ना? जी बिल्कुल, ये इसलिए कि आपको पता है तब्दीली की बाल तो इसलिए ये तो तब्दीली जोर से आई है। जोर से ऐसी तब्दीली आई, बहुत ज्यादा इतने मुतासिर हो गए कि बच्चों की देखभाल क्या करें, इसकी ज्यादा ख्याल करना पड़ा। अच्छा कितने का चलान हुआ था? 1000 रुपए का। ओए होए, गुस्सा तो बड़ा आया हुआ। बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अब जब भी जाते हैं और कुछ भूल जाएं, भूलना ये नहीं भूलते। अरे वाह भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए एक दफा। ओके जी चले, मुझे बताएं रिसर्च के मुताबिक मर्द ज्यादा झूठ बोलते हैं या औरतें? ज्यादा, दोनों ही। एक रिसर्च के मुताबिक औरतें। ओके आप बताएं। औरतें। 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 गलत जवाब, मर्द बोलते हैं ज्यादा झूठ। ओके आपके सामने कोई झूठ बोले तो आप उसे क्या कहेंगे? गाने में बताएं, गाने के लिहाज से बताएं। गाने के लिहाज, अगर किसी ने आपके सामने झूठ बोला है, कोई गप छोड़ी है ऐसे ही, तो आप उसको गाने में कैसे बताएंगे, मतलब कोई गाने के लफ्ज से? सोच लो। हाँ हाँ सोचे सोचे, सबने बताना है। झूठ बोले तो ओके, ये भी लानत है बच्ची, तो यही गाना तो गाना नहीं है। कट। हाँ नाइस, क्लैपिंग करें इनके लिए। अरे आप बताएं, तो बता दिया, इनके तो नंबर आ गए। यही है, यही है नहीं तो कोई और बताएं। नहीं अभी नहीं सोच। कोई भी नहीं। जावे जा झूठ या, चले ऐसे बोले सामने देखें, जावे जा झूठ या, वेरी नाइस। चले जी अब आप लोग मुझे बताएं कौन क्या शेयर करेगा? क्या शेयर करेंगे? पोएम सुनानी है जी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आई वांट टू बी अ स्टार, हाई क्लाइम इन द स्काई। वेरी नाइस। और आप? तुम दिल की धड़कन में रहते हो तुम दिल की धड़कन में रहते हो ला 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 ला, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। नाइस भाई, क्लैपिंग होनी चाहिए एक दफा। आगे लाहौर न्यूज की तरफ से आपके लिए गिफ्ट और एक और गिफ्ट। बहुत शुक्रिया जी। जी मुझे तो बड़ा मजा आया, बहुत एंजॉय किया फैमिली के साथ, बहुत एंजॉय हुआ। दो दो गिफ्ट भी लिए उन्होंने किसी और से बात कर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अमार। तैमूर। क्या करते हो? ये स्टडी करते हैं। स्टडी? भाई हो? नहीं फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स हो? कितना टाइम हो गया दोस्ती को? स्कूल लाइफ से। वाओ। अच्छा इनकी फिर एक अच्छी और एक बुरी आदत बता दो जल्दी से। इसकी अच्छी आदत ये है कि ये हमारे साथ बहुत फ्रेंडली रहता है, जोक्स सुनाता मैं, और बुरी आदत ये है कि ज़्यादातर हमारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता कई दफ़ा। और आप बताएं इनकी? इनके साथ जैसा भी मजाक कर लें ऐसे बिल्कुल फ्रेंडली होके मतलब उसको टॉलरेट करते हैं, मतलब आगे कोई दूसरा और कोई दोस्त होना वैसे हर कोई भी बात हो जाए ना मैं उस लेवल पे जाके टॉलरेट नहीं करता, लेकिन इससे ये इसकी ये अच्छी बात है जो भी मजाक करो बड़े अच्छे तरीके से। बुराई? बुराई बुराई तो खैर नोटिस मैंने नहीं की बुराई इतनी तो करो ना। चलो जी सवाल करते हैं, ट्विटर के ऊपर जो बर्ड बना होता है उसका क्या नाम है? डव। डव बर्ड का नाम वो तो कोई उन्होंने स्केच किया हुआ है वो एक रियल बर्ड के ऊपर बनाया। चलो क्या सुनाओगे? सॉन्ग। हो नैना दे नैना दे हरफ पढ़ावा किवें,
नैना दे नैना दे हरफ पढ़ावा किवे दिल ते लगिया वखावा किवे एना सोचा विच रहना दिल नू अक्सर कहना जेड़ी इश्क ते चल दिए ओंदे रंग विच टल दिए ओ नब्ज़ पहचाने ना मेरा पीर जाने मेरी पीड़ ओ जाने ना ओ जाने ना मेरा पीर जाने मेरी पीड़ ओ जाने ना ओ जाने ना वाओ मैन सीखते हो नहीं सीखा नहीं स्कूल ऐसे सिंगिंग करता है वाओ तो सिंगर बनना है सिंगर का शौक नहीं है क्यों अब देखो आपको स्क्रीन पे कितने लोगों ने देखा होगा एज यू नो बहुत पॉपुलर है ये प्रोग्राम तो मुझे बताओ कि क्यों नहीं सिंगर बनना इंशाल्लाह आपको जल्दी कोई कॉन्टेक्ट करेगा तो ज़रूर इस फील्ड में जाओ सिंगर की ना दरअसल हमारे पूरे माशरे में ना एक रेपुटेशन अच्छी नहीं बनी हुई अब तो ऐसा नहीं है अब तो बहुत अच्छी रेपुटेशन ज़रूर ट्राई करो यू आर वेरी टैलेंटेड लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए थैंक शुक्रिया जी मुझे तो लगता है यही था आज का टैलेंट ऑफ द डे खैर एक पहले भी मिला था मुझे एक लड़की थी और ये भी बहुत अच्छे थे किसी और से बात करते अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम आपका नाम ऐशा गुफ्ता नूरुदा हसन कौन सी क्लास सिक्स फोर आप क्या करती हैं फाइव ये आपकी पोती बिल्कुल सेम है ना बिल्कुल सेम टू सेम है माशाल्लाह चले मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जो हमें नज़र नहीं आती मगर फिर भी हम उसे तोड़ सकते हैं और उसे तोड़ना बहुत बुरी बात है सच्चाई 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 टूटती नहीं है बेटा दिल दिल भी हो सकता है वेरी नाइस और भी है कुछ बोलो तोड़ सकते चींटी चींटी नहीं नहीं चलें जी खैर दिल भी ठीक है क्लैपिंग करें क्या सुनाएंगे आप पोएम चीचू चीचू चाचा घड़ी में चूहा नाचा घड़ी ने एक बजाया चूहा नीचे आया बिल्ली ने मारा पंजा चूहा हो गया गंजा बड़े हैवी बाल है माशाल्लाह क्या लगाती हो ऑयल ऑयल ओके आप क्या सुनाएंगे मुझे कुछ नहीं आता आप क्या शेयर करें आप क्या शेयर करें मैं रेसिपी शेयर कर बता दें कढ़ाई की पहले घी में अदरक लहसुन डाल के उसके बाद गोश्त डाल के उसको अच्छी तरह भूने और नमक मिर्च हल्दी डाल के गला लें उसके बाद उसमें प्याज और टमाटर डाल के उसको हल्का सा दम दे दें कढ़ाई तैयार वेरी नाइस और न्यूज़ की तरफ से आपके लिए शुक्रिया जी बड़ी प्यारी फैमिली थी किसी और से बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आपका नाम उम्मे फरवा सुफियान अबीरा कौन सी क्लास में हैं क्लास वन नासिदी वेरी नाइस ये दोनों बहन भाई हैं कज़न कज़न हैं ओके चले जी आपसे मैं आप क्या करती हैं हाउसवाइफ चले मैं आपसे क्वेश्चन करती थी ओके मुझे बताएं वो क्या चीज़ है जो हम थोड़ी सी भी किसी के साथ शेयर करें तो ख़त्म हो जाती है खाने में कोई बात नहीं क्या सुनाना है जनाब टिंकल टिंकल लिटिल स्टार आवर मदर व्हाट यू आर अब आवाज बस आई लाइक अ डायमंड इन द स्काई वेरी नाइस और आप क्या शेयर करें सूप रेसिपी जैसे कि आजकल सर्दियां स्टार्ट हो रही हैं तो मैं सूप की रेसिपी शेयर करूंगी चिकन वेजिटेबल सूप चिकन क्यूब्स लेकर उसको बॉईल करें कैबेज कॉर्नफ्लोर ब्लैक पेपर कॉलीफ्लावर
इन सबको इकट्ठा मिक्स करके बॉईल करें और उसके बाद इस पे आप ब्लैक पेपर डालें, चाइनीज सॉल्ट डालें, एग डालें और उसके बाद झटपट सूप रेडी आपका। ओके फाइन, वेरी नाइस। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए जी नाजरीन, बड़ी प्यारी फैमिली जी, किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाम है आपका? मिशेल कामरान। आपका नाम बेटा? कशमाला। और आपका? कश्यप कामरान। ओके, आपकी सर्दियाँ आ गई हैं, बहुत प्यारी है माशाल्लाह। अच्छा, ये आप बिल्कुल सेम है ना? अच्छा, आपको लग रहा होगा बिल्कुल सेम है, ये भी बहुत मिलती है मगर तो बिल्कुल सेम है। चलिए जी, मुझे बताएं आप क्या करें? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ है। अच्छा, मुझे बताएं कि बेटा आप लोग बारबी के साथ खेलते हो क्या? बारबी का रियल नेम क्या है? बारबी का क्या रेसिपी शेयर करेंगे? जी, मैं चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी। सबसे पहले चिकन को ऑयल में फ्राई कर लें और फिर लहसुन का पेस्ट पानी में डालकर ना चिकन में ऐड कर दें और फिर टमाटर, काली मिर्च और नमक डाल के, हरी मिर्चें डाल के, अदरक डाल दें, बहुत मज़ेदार कढ़ाई तैयार हो जाएगी। वेरी नाइस। सर आपने क्या सुनाना है? आशिक की आंखों का वो तारा है, हस्बी रब्बी जल्लल्ला माफी कल्बी गरुल्ला नूर मुहम्मद सल्लल्ला ला इलाहा इल्लल्ला वो जब लाले हबशी है, सरवर्दी का प्यारा है। वेरी नाइस बेटा, शाबाश। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए वेलकम। बहुत प्यारी बच्ची थी जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया और आज हमने आपके साथ बहुत इन्जॉय किया। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं जो अभी रह गए हैं, बस सेल्फियाँ इधर से उधर से जो हैं वो हो रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहीं ये मत समझा करें कि मैं अनोय होती हूँ, बुरा लगता है। मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ कि आप लोग मुझे वाकई में बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। ओके, दो सवाल। ट्विटर के ऊपर जो परिंदा बना हुआ है उसका क्या नाम है? उसको कहते हैं लैरी और बारबी को रियल में कहते हैं बारबरा। तो आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो, थर्सडे टू संडे शाम को 7 बजे देखना है। अपनी होस्ट अलीना हारून को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।